गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंटर ड्यूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को पूल बी के मैच में धर्म स्पोर्टिंग व घोसी एकादश के बीच पहला मैच खेला गया। दोनों टीमों का संघर्षपूर्ण मुकाबला लगभग मैच के निर्धारित अवधि तक बराबरी का रहा, परंतु खेल के अंतिम मिनट में घोसी एकादश के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी द्वारा हैंडलिंग द बॉल का फाउल हुआ, जिस पर निर्णायक द्वारा धर्म स्पोर्टिंग को डायरेक्ट फ्री किक का एडवांटेज मिला। गोल पोस्ट से 35 गज की दूरी से धर्म के खिलाड़ी अनिल ने शानदार पावरफुल किक से गेंद को गोल पोस्ट में डालकर धर्म स्पोर्टिंग को 1-0 से विजय दिला दी। दूसरा मैच सेंट जूड्स स्कूल व एमपी फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 29वें मिनट में सेंट जूड्स के आयुष गुरंग ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के उत्तरार्ध के 33 मिनट में सेंट जूड्स के मृदुल यादव ने दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया, परंतु 55 मिनट में अनुज ने एमपी फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया। अंत में सेंट जूड्स 2-1 से विजयी रही। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, मैं हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। आज ये गोरखपुर फुटबॉल लीग का जो मैच है, दुख के साथ कहना पड़ा कि मेरे बीच एक खिलाड़ी उदय यादव, जिसकी आयु 18 वर्ष की थी, उसकी अकस्मात निधन हो गई रात में। तो ये प्रतियोगिता का मैच शुरू करने के पहले दोनों टीमों ने घोसी 11 और धर्म स्पोर्टिंग और जो भी दर्शक थे, एक शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उसके तत्काल बाद ये प्रतियोगिता के बी पूल का मैच घोसी एकादश और धर्म स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के बीच खेला जा रहा है। संघर्षपूर्ण मुकाबला, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में ये आयोजित लीग, आज 25वां मैच है ये, और इसके तुरंत बाद 26वां मैच होना है, मैच नंबर 26, जो सेंट जूड्स और संत एमपी फुटबॉल क्लब के बीच होना है। आपको बताना होगा कि ये मैच इनॉग्रल मैच था एमपी कॉलेज और सेंट जूड्स का, लेकिन एमपी कॉलेज को सुब्रतो कप जाना था तो उनका मैच शिफ्ट किया गया। वो मैच नंबर 1 था, उद्घाटन मैच, उनकी जगह चिरगावां एफसी ने मैच खेला था सेंट जूड्स के अगेंस्ट, और एमपी कॉलेज को आज ये मैच दिया गया। तो एमपी और सेंट जूड्स का आज मुकाबला दूसरा है इस मैच के तुरंत बाद।